My name is Sirvesh and you're watching my YouTube channel. एक छोटी सी कंफ्यूजन, एक्चुअली कंफ्यूजन भी नहीं है, बस लोगों को हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज मेरे पास एक सब्सक्राइबर से आई कि इसमें क्या गलती है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, क्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो जब बताऊंगा तो लगेगा भी नहीं कि इतनी कंफ्यूजन होनी भी चाहिए, मुझे भी ऐसे ही लगा था। एक लाइन लिखी हुई थी, एक्चुअली दो लाइन्स है। पहली लाइन है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर ट्रू, ठीक। यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि आर लिखा हुआ है इसलिए स्टेटमेंट में एस लगा हुआ है, ये लगेगा बिल्कुल, क्योंकि आर लिखा हुआ है इसलिए स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। लेकिन एक और लाइन है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब क्या ये लाइन सही है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ये भी लाइन सही है। अब यहां पे कंफ्यूजन चल रही थी कि ये लाइन सही क्यों है, क्योंकि जहां पे विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, अब विच को एक अलग लीजिए कि कौन सी है, ऑफ दी स्टेटमेंट्स मतलब इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है, अगर इज लगा हुआ है तो मतलब उनमें से एक सही है, कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इतनी सारी इनमें से एक सही है। अगर मैंने वहां पे आर लगा दिया, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो मतलब इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी सही है, तो मतलब वहां एक से ज्यादा सही है। अगर मैंने ये लिख दिया, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज स्लैश आर ट्रू, तो वहां पे ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें एक स्टेटमेंट भी सही हो सकती है और एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकती हैं। तो वहां पे वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता है, मतलब एक जो उस एग्जाम को दे रहा है उसके लिए, ठीक। तो ये चीज में कंफ्यूज होने वाला नहीं है, स्टेटमेंट को आप इस तरह से मत लीजिए। यहाँ पे विच के अंदर ही वो सब छुपा हुआ है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स, कि इस सारी स्टेटमेंट्स में से, जैसे हम हिंदी में बोलूं अगर मैं, कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही है, अगर मैंने है बोला तो मतलब एक सही होगी, कौन सी सही है या फिर कौन कौन सी सही है, अगर मैंने है बोला तो वहां पे पता चलता है कि ज्यादा है। सेम चीज लिखी हुई है यहां पे भी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एक सही है यहां पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एक स्टेटमेंट सही है इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से ज्यादा हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हैं, कौन कौन सी ट्रू है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज स्लैश आर ट्रू, तो यहाँ एक भी हो सकती है ट्रू, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कंफ्यूजन के बारे में लिखिए, आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल, ठीक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।